में राम सुलभ ढूंढे क्या, वो माता पिता को उतना भक्ति करते हैं या उतना सम्मान देते हैं, अभी वो देखने को नहीं मिलता है। जिस तक राम दशरथ को समय समय गतिशील है, समय के अनुसार सब कुछ चेंज होता है, समय के अनुसार परिभाषाएं चेंज होती हैं, है ना, प्यार की, स्नेह की, आदर की, सब परिभाषाएं चेंज होती हैं। तो आज जो अब हो रहा है ये बीच में, मैं ये मानता हूँ कि कुछ सालों में ये बात बिल्कुल हमारी संस्कृति में भी ये बात नहीं आ रही थी कहीं भी, पर अब संस्कृति भी हमारी, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सनातन को उजागर करें, माता पिता के सम्मान को फिर से स्थापित करें। ये सारी चीज़ें जो हैं अब पहले आप भी देखते होंगे पहले से कि भगवान राम का जो अब फिर से जो आस्था लोगों में बढ़ी है उससे ये सारी बातें पैदा होंगी। बिकॉज रामायण एक ऐसी चीज़ है जो सारी संस्कृति, सारा मॉरल, सब कुछ हमें देती है। तो मुझे लगता है ये बात अब फिर से बच्चों के मन में, माँ बाप के मन में, भाई भाइयों के मन में पारिवारिक प्रेम जो है वो फिर से बढ़ना शुरू होगा। शालिग्राम आ चुका है, अयोध्या में श्रीराम मंदिर बनने के लिए शालिग्राम नेपाल से आ चुका है, मन में तो आपका भी खुशी होगा श्रीराम का मंदिर। नहीं, श्रीराम का मंदिर बन रहा है उससे अच्छी बात कोई हो ही नहीं सकती थी। बस ये है कि इतने सालों के बाद हुआ है, वो पहले हो जाता तो शायद और भी ज़्यादा अच्छा होता, पर जब भगवान की मर्जी होती है तभी आते हैं ना, ये भी तो बात है। कोविड का टाइम से फिर रामायण देखने को लोगों को मिला है, ये बात क्या है, कोविड का टाइम से फिर रामायण दिखा है। अब कितनी अच्छी बात है कि मुसीबत के समय में भगवान फिर से पधारे। भगवान कब आते हैं, है ना, जब अधर्म हो रहा होता है या संकट आ रहा होता है तभी भगवान आते हैं, तभी हम भगवान को याद भी करते हैं। तो कोविड के इतने भारी संकट में राम जी फिर से पधारे, बस बहुत अच्छी बात है। सुनो 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 श्रीराम की जो कहानी, इसमें क्या कुछ आएगा रामानंद सागर के बाद में? हाँ, ये आप रिलीज देखिए, ये एक स्टेज प्रोग्राम है, वो एक सीरियल था, दोनों में बहुत फर्क है। और बाकी जब आप लोग देखेंगे तब आपको पता लगेगा कि इसमें क्या क्या कुछ है। और ये धरती में आप पहुंच चुके हैं, जगन्नाथ की धरती है, मर्यादा श्री राम का वो स्मृति में यहाँ पे राम कथा होती है, क्या कुछ कहेंगे? नहीं, राम कथा तो हर जगह ही होती है, और यहाँ तो भगवान जगन्नाथ के साथ भगवान हनुमान भी हैं, है ना, क्योंकि जाते समय श्री राम जो है हनुमान जी से कह गए थे कि हनुमान तुम्हें कहीं नहीं जाना है, जगन्नाथ जी आएंगे तुम्हें उनकी सेवा करनी है। तो जहाँ हनुमान हो वहाँ तो राम से राम कथा होनी ही है। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।